अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस करिकुलम डेवलपमेंट सब्जेक्ट व्हिच इज चैप्टर नंबर 1 एंड इट्स टॉपिक इज 5 टीचर्स करिकुलम डिसीजन मेकिंग। नाउ व्हाट इज दिस? टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन करिकुलम डिसीजन मेकिंग एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड अडैप्टिंग द करिकुलम इन द क्लासरूम टू मीट द नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। टीचर्स करिकुलम डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ चॉइसेस एंड एक्शंस रिलेटेड टू द डिजाइन डिलीवरी एंड असेसमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हेयर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ अ टीचर्स करिकुलम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब सबसे पहले देख लें कि टीचर्स जो है ना वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं करिकुलम डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। और टीचर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए कि वो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करें, फिर उसको अडाप्ट करें क्लासरूम की नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। जो टीचर्स करिकुलम होता है उसमें डिसीजन मेकिंग जो इन्वॉल्व होता है ना, वो उसमें बहुत सी चॉइसेस आती हैं, बहुत से एक्शंस उनमें आते हैं, जिस तरह उसकी डिज़ाइन आ गया, उसका डिलीवरी आ गया, उसका असेसमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ गया। फिर आपने इन सब में देखना है कि वो कौन से की एस्पेक्ट्स हैं टीचर्स करिकुलम के जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। नंबर 1 है सिलेक्टिंग एंड सीक्वेंसिंग कंटेंट। जो आप कंटेंट ले रहे हैं उसका सिलेक्शन कैसे होगा, फिर उसको किस तरह से आपने अरेंज करना है, तो वो देख लेते हैं। चूजिंग स्पेसिफिक टॉपिक्स सब्जेक्ट्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द करिकुलम मटेरियल्स दैट अलाइन विद द करिकुलम स्टैंडर्ड एंड स्टूडेंट्स नीड। सीक्वेंसिंग कंटेंट इन अ लॉजिकल एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट ऑर्डर टू स्कैफोल्ड लर्निंग। इसमें क्या है कि आपने जो टॉपिक्स आप चूज करते हैं वो आपके सब्जेक्ट, आपके लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको SLOs कहते हैं, जो आप करिकुलम मटेरियल से ले रहे हैं वो आपके करिकुलम के स्टैंडर्ड्स, स्टूडेंट्स की नीड्स या स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ग्रेड 4 में जो आप स्टूडेंट्स को टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उनका प्रीवियस ग्रेड में उनका कोई ना कोई लिंक ज़रूर हो, आपने उनका कोई कॉन्सेप्ट दिया हो जिस कॉन्सेप्ट को लेके आप नेक्स्ट ग्रेड्स पे उनका उस चीज़ को और डिटेल में आप उनको समझा दें, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ आप में आती हैं जी, आपने अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स को चूज़ करना है, टेक्निक्स चूज़ करनी है, स्ट्रेटजीज चूज़ करनी है, किस लिए? टू कन्वे करिकुलम कंटेंट इफ़ेक्टिवली। आपका जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट में कंटेंट है, आप उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकें। उसके अलावा आपने जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस लेनी है वो अकोमोडेट हों इस तरह से कि उनके लर्निंग स्टाइल्स में डाइवर्सिटी हो और वो उनमें कुछ एबिलिटी हो जो आप अडेप्ट करें, ठीक है। देन मटीरियल एंड रिसोर्सेज। अब मटीरियल और रिसोर्सेज में क्या चीज़ें आती हैं? आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, टेक्स्ट बुक्स, डिजिटल रिसोर्सेज एंड सप्लीमेंट्री मटीरियल्स दैट इन्हांस करिकुलम डिलीवरी। यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया एंड अदर रिसोर्सेज टू इन्हांस टीचिंग एंड लर्निंग। आपने जो इंस्ट्रक्शन मटीरियल चूज़ करना है वो टेक्स्ट बुक हो सकते हैं, वो डिजिटल रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री मटीरियल हो सकते हैं जो आपका कंटेंट डिलीवरी है उसको इन्हांस करे, यानी स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लैरिफाई कर सके। देन असेसमेंट। अब आपने जो असेसमेंट है उसको अकॉर्डिंग टू द करिकुलम, अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड डिज़ाइन करना है। अब असेसमेंट किस तरह से है, वो फॉर्मेटिव भी हो सकती है, वो सबमेटिव भी हो सकती है। असेसमेंट की टाइप्स में एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह सून मैं लेके आऊँगी। आपने अगर फॉर्मेटिव सबमेटिव असेसमेंट्स को चूज़ करना है तो उसमें क्विजेज होने चाहिए, टेस्ट्स होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और असाइनमेंट्स होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन या अंडरस्टैंडिंग की जो प्रोग्रेस है उसको इफ़ेक्टिवली उस पर काम कर सके। फिर आपने असेसमेंट का जो डेटा यूज़ किया है, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आपने लिए हैं, जिस तरह आपने टीचिंग स्ट्रेटजी कोई चूज़ की है तो उसके साथ आपने किस तरह से कोई एडिशनल सपोर्ट, किस तरह से आपने उस साथ लिंक करनी है, ठीक है। देन बात कर लेते हैं व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस जो दी हैं, जो इंडिविजुअल की नीड्स हैं स्टूडेंट्स की हैं, आपने उसमें डाइवर्स बैकग्राउंड और एबिलिटीज़ के साथ लर्निंग प्रोफाइल्स बनानी है स्टूडेंट्स की।
बात कर लेते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जिस वक्त आप स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप उनको एक प्रोडक्टिव और कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट में बेस कर रहे हैं, तो क्लासरूम का की जो मैनेजमेंट है वो बड़ा रोल प्ले करती है। फिर आपने जो स्टूडेंट का बिहेवियर है और जो उसकी इफेक्टिवली उसकी जो लिंक है स्टूडेंट के साथ, वो भी बहुत मैटर करता है। देन अडेप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपने जब करिकुलम के मटेरियल्स को मॉडिफाई किया, लेसन प्लान्स जिस तरह के आपको चाहिए आपने उनको बनाया, और आपने उसमें अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी इंक्लूड करने हैं, स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना है, उसके अलावा आपने एजुकेशनल ट्रेंड्स, जो इमर्जिंग एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं, जो नए एजुकेशनल ट्रेंड्स आ रहे हैं, आपने उनको भी फोकस करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है आपने उनके लिए बड़ा रिस्पॉन्सिव होना है, आपने बड़ा फ्लेक्सिबल होना है एज अ टीचर। और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आप की जो स्टूडेंट्स की जो नीड्स आ रही हैं, आपका अगर जो स्टूडेंट है उसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा ड्यूरिंग योर टीचिंग, तो आपने उस चीज़ को क्लियर करना है कि स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, उसका जो माइंड में जो क्वेश्चंस एंड क्यूरीज हैं वो उसको क्लियर हो, कोई एम्बिग्विटी उसके माइंड में ना रहे। देन इंटरेक्शन ऑफ क्रॉस कल्चरल क्रॉस करिकुलर थीम्स। अब ये इस तरह से है कि आपने क्रॉस करिकुलर थीम्स का मतलब ये है कि आपने जो दूसरे जो करिकुलम्स हैं आपने उनसे भी कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी है, ठीक है, उनको इनकॉर्पोरेट करना है अपने टीचिंग के स्टाइल में। जिस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे आपका थोड़ा सा लिंक होना चाहिए आपके लेसन का, आपकी इंस्ट्रक्शंस का, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपका बड़ा फोकस होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस तरह से आप लेसन को डिलीवर करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स स्टूडेंट्स की इन्हेंस हो। स्पेसिफिकली ये सब्जेक्ट इंग्लिश में बड़ा मैटर करता है, ठीक है। और उसके अलावा डिजिटल लिटरेसी इनटू द करिकुलम। करिकुलम में आपने टिपिकल चीज़ें नहीं पढ़ानी, आप 1880 का करिकुलम आज के टाइम पे नहीं पढ़ा सकते, इसलिए जो करिकुलम आज का है आपने अकॉर्डिंग टू दैट करिकुलम आपने अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को उसके साथ लिंक करना है। देन उसके बाद आता है कल्चरल रेलिवेंस। अब कल्चरल रेलिवेंस क्या है कि आप जिस वक्त कल्चर दूसरे किसी कल्चर का कोई सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं अपने करिकुलम में, तो आपने स्टूडेंट्स को इस तरह से इंगेज करना है कि किसी और कल्चर का अगर कोई स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है तो वो ऑकवर्ड फील ना करे, ठीक है। देन फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स कलीग्स मेंटोर्स और उनको इन्फॉर्म करना है करिकुलम डिसीजंस के बारे में और अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है। उसके अलावा आपने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को भी अपनी जो क्लासरूम है उसमें इंगेज इस तरह से करना है कि आपका जो करिकुलम की चॉइसेस हैं और जो आपकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हैं वो इफ़ेक्टिवली आप उनको असेस कर सकें, ठीक है। उसके बाद कोलैबोरेशन आता है। कोलैबोरेशन का मतलब है जी कि आपने टीचर या ग्रेड लेवल की जो टीम्स हैं या करिकुलम की जो कमेटीज़ हैं उनको अपने साथ उनको इस तरह से अलाइन करना है कि आपका जो करिकुलम की जो गोल्स और स्टैंडर्ड्स हैं आप उनको मीट कर सकें। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, ये एक ऑनगोइंग टॉपिक है, इस पर डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आपने उसको क्या करना है कि आपने उसके साथ इन्फॉर्म्ड रहना है, ठीक है, आपकी एजुकेशनल रिसर्च के साथ आपने उसको इन्फॉर्म रहना है, आपकी प्रैक्टिसेस बेस्ट होनी चाहिए, आपकी जो करिकुलम है उसमें इनोवेशन होनी चाहिए। देन पेरेंट एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। अब कम्युनिकेशन आपकी पेरेंट्स के साथ इस तरह से हो कि आप इन्वॉल्व कर सकें उनके करिकुलम के दौरान, डिसीजन मेकिंग आप उनको कर सकें, और उसके अलावा ऐसा प्रोसेस जिसमें आप मीटिंग्स हो सकती हैं, न्यूज़ लेटर्स हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, आप इन सबको भी कंसिडर करेंगे। देन एथिकल कंसिडरेशन। अब एथिकल कंसिडरेशन में इस तरह से है कि करिकुलम की चॉइसेस को आप देखेंगे, आपने एकेडमिक इंटीग्रिटी को आप नोट करेंगे, और उसके अलावा एजुकेशनल पॉलिसीज और रेगुलेशंस आप इनको भी नोट करेंगे, ठीक है। देन द लास्ट थिंग विच इज़
एडवोकेसी. नाउ व्हाट इज एडवोकेसी? एडवोकेटिंग फॉर स्टूडेंट्स नीड एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज दैट सपोर्ट इफेक्टिव करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, अब टीचर जो करिकुलम डिसीजन मेकिंग है, ये एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. आपको इसमें एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, आपको अडेप्टिबिलिटी रिक्वायर्ड है, आपको स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग भी रिक्वायर्ड है. विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.